देखो बेटा, पोटेंशियोमीटर का ये सवाल है बहुत इजी है, जरा एक मुखड़े का आनंद लीजिए। बस कीजिए, क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अम्मा आपको एक फार्मूला मालूम है, L1 माइनस L2 अपॉन L1 टू, हमसे गलती होती है, आप ना कीजिएगा। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालना है, यानी आपको शंटिंग मिल जाए और L1 L2 मिल जाए, आपका काम बन जाए। अब आप घंटों पढ़ते रहिएगा, और हमको हमने आपकी थ्योरी बताई थी कि जब इन्फिनिटी होगा, यानी कि आपने कोई संट नहीं लगाया है अपने ईएमएफ सोर्स में जिसको निकाल रहे हैं, उस समय आपकी लेंथ L1 होती है और वो 3 मीटर की है। जब आप संटिंग कर देते हैं किसी स्मॉल रेजिस्टेंस से, यहाँ कितना है, 9.5 ओम है, तब उसका नल पॉइंट कहाँ मिल रहा, 2 पॉइंट इतना, यानी आपको सारा डेटा मिल गया। ये इन्फिनिटी यानी कोई संटिंग नहीं की, ये आपने जब संट किया है और संट रेजिस्टेंस आपको मिल गया है, बस धर दीजिए वैल्यू, आप बन गए डॉक्टर। 3 में से 2.85 डिवाइड बाई 2.85, देखिए कटेगा, कटना तो चाहिए, ये हो गया 0.15, 2.85, 95 किससे काटते हैं, 3 से, 3 नहीं, 3 त्रिक का 9, फिर नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, 15 दुना 30, अम्मा आप बैठ के काटिएगा, उससे कट जाएगा 15 से, 15 51 15, 15 दुना 30, अब 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 नवा 27, 1 3 पंजे 15, कट तो गया 0.01, और इसको गुणा कर लीजिए, 0.5 ओम लीजिए, आ गया, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन।